हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास नाइन का जो इनइक्विलिटी चैप्टर है, इनइक्विलिटी ट्रायंगल, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसे दो तीन थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो वो ट्रायंगल बनता है। तो बनाया है मैंने ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बनाया है। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, स्टार्टिंग से लिखेंगे क्या, देयर इज ए ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। देन तो हमें क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव करना है। क्या करना है, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, या ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, या BC plus AC is greater than AB। इन तीनों में से कोई प्रूव करना है। तीनों एक ही चीज है, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, लिख दें प्रोड्यूस, प्रोड्यूस AB अप टू डी, जो डी तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी से ज्वाइन कर देंगे, सच दैट इस तरह से AC इक्वल टू, इसको D नाम दे दीजिए, AC इक्वल टू AD, AC और AD आपस में इक्वल है, एंड ज्वाइन CD, CD को ज्वाइन कर दिया, CD को ज्वाइन कर दिया, लेकिन C और D को ज्वाइन बहुत इजी है, क्लास नाइन का है, ज्वाइन CD, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, सिंस क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ACD इज आइसोसेलस ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। जब आइसोसेलस ट्रायंगल है तो वो क्या मिलेगा, साइड AC इक्वल टू साइड AD, ठीक है, साइड AC इक्वल टू साइड AD, आइसोसेलस होता है, क्या होता है, बेस के एंगल इक्वल हो गया, यानी कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC। अब देखिए एंगल ACD, अब एंगल ACD इज द पार्ट ऑफ एंगल C, ये एंगल C का ही पार्ट है। तो कंप्लीट एंगल C बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम एंगल ACD में, अगर ACD और AD इक्वल है, और ACD में अगर हम एंगल ACB ऐड कर देंगे, ACB ये ऐड कर दिया, तो कंप्लीट एंगल C बन जाता है, तो इसका वैल्यू ADC से ग्रेटर हो जाता है, क्या हो गया, ग्रेटर। ACD और ACD क्या, ACB और ACD क्या लिख सकते हैं, एंगल C, और ये क्या हो गया हमारा एंगल D, देख लीजिए, और एंगल C के सामने कौन सी साइड है, BD, इसके एंगल D के सामने कौन सी साइड है, BC। अब हम BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं AB plus AD greater than BC। अब हम AD को रिप्लेस कर देते हैं, AB plus AD जो है उसको AC से रिप्लेस कर देते हैं, greater than BC, प्रूव हो गया। देखिए कितना ही है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान, देखिए बहुत सिंपल है। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।